नमस्ते जी नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। मैं हूं रवि। हम लोग हैं अब नोएडा में। नोएडा शिफ्ट होने के बाद जिस पर्पस से शिफ्ट हुए थे अब वो स्टार्ट होने जा रहा है, मतलब कि हमारा घूमना फिरना। हम लोगों को अभी यहां आए हार्डली 6 दिन हुए हैं। संडे का दिन है आज और आज हम लोग निकल रहे हैं मुरथल की तरफ, जो काफ़ी सारे ढाबे हैं NH 44 पे या GT रोड पर, उसमें लंच करने। तो इसी बहाने एक छोटी सी रोड ट्रिप भी हो जाएगी। और नोएडा आने का मेन मकसद भी यही था, घूमना फिरना खाना पीना। तो चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पे ले चलते हैं और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। नोएडा से मुरथल जाने के लिए बेसिकली मेन दो रूट है। एक तो वाया दिल्ली जाए अक्षरधाम होकर के ITO की तरफ से, और दूसरा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे कि ये गाज़ियाबाद से आगे चल के हापुर वाले हाईवे पे थोड़ा आगे जाके ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे। डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं सिर्फ लंच करने के लिए। ये अब हम लोग आ गए मेरठ एक्सप्रेसवे पर और इसी से हम लोग आगे जाएंगे फिर थोड़ी दूर के बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली को बाईपास करेंगे। ये रूट थोड़ा लंबा पड़ता है दिल्ली वाले रूट से। 90 किलोमीटर डिस्टेंस है सेक्टर 74 नोएडा से, बट 1.5 घंटे के आसपास समय लगना चाहिए। और अगर दिल्ली होके आए तो हो सकता है 2 घंटे तक लग जाए, बट वो रूट 10 किलोमीटर छोटा है। संडे का दिन है, होली के बाद का समय है, ट्रैफिक कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक है। और ये हम लोग आ गए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। अच्छा, पटना में जब थे तो वहाँ पर इतने साल रहे हैं, बिहार की सड़कों का पूरा आइडिया था। अब इधर क्या है कि हम लोग पूरा गूगल पर डिपेंडेंट हैं। हालांकि इधर भी बड़ी बड़ी सड़कों का पूरा आइडिया है, लेकिन अब शहर के अंदर अगर आपको चलना है तो भाई यहाँ तो जैसे जैसे गूगल दिखा है वैसे वैसे ही चलना पड़ता है। प्लस क्या है ना कि NCR में सड़कें इतनी तेज़ी से बनती हैं कि हर 2-4 साल में आपको कोई नया एक्सप्रेसवे, कोई नया हाईवे दिख जाएगा, तो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है यहाँ पर। अब इसी रोड पर 50 किलोमीटर चुपचाप चलते जाना है 100 की एवरेज स्पीड मेंटेन करते हुए। NCR में ये तो है भाई, सड़कें बहुत अच्छी हैं। आप 50-100 किलोमीटर जाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, बस गाड़ी उठाओ और निकल लो। बात तो है, NCR आके हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत साल से सोच रहे थे पटना से निकलने का। बहुत मजा आ रहा है, काफी खुला खुला शहर है, खुली खुली सड़कें हैं। ये मिल गया टोल प्लाजा पर, लाओ लाओ खिलाओ। मार्च का महीना है और टेम्परेचर अभी से ही 37-38 डिग्री जाने लगा है।
मई जून में तो पता नहीं कितनी गर्मी पड़ेगी इधर। खैर अपने पास भी उपाय है, पहाड़ों में भागेंगे। ये आ गया अब अंबाला वाला कट। अब यहाँ से हम लोग ये एक्सप्रेसवे छोड़ देंगे और जीटी रोड पर आ जाएंगे। मुरथल में कहाँ चलना है जी? पहलवान, अमरी, गुलशन? नहीं, पहलवान जाना है। पहलवान ढाबा में वो अपना पुराना प्यार है। हम लोग जब भी पटना से इधर आते थे हिमाचल वगैरह की ट्रिप पे, तो दिल्ली पार करने के बाद अक्सर हम लोग यहाँ पहलवान ढाबा पे रुकते थे। कभी कभी सुबह सुबह रुकते थे, नॉन स्टॉप चल के आते थे, तो सुबह ये अच्छा यहाँ वॉशरूम मिल जाता था। वॉशरूम यहाँ हर ढाबे में अच्छा नहीं है। हाँ जी, तो पहुंच गए हम लोग पहलवान ढाबा। वीना को ये जगह कुछ ज़्यादा ही पसंद है। आजा बाबू, आजा 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 आजा। उसको आइसक्रीम चाहिए। आते आते बाहर कहीं दिख गया है बास्किन रॉबिन्स। तो खाना ऑर्डर हो गया हमारा। और क्या ऑर्डर किया? तो जो यहाँ का फेमस है वो एक आलू प्याज का पराठा, एक पनीर पराठा और एक मिक्स पराठा विद पनीर की सब्जी। अब जो फेमस है वही खाएंगे। अवीना को इतनी भूख लगी है कि अभी पराठा आया नहीं है, सारे अचार निकाल के पहले ही बैठ गई है। तो ये आ गया अपना पराठा और सब्जी। और यहाँ का स्पेशलिटी वाइट मक्खन। सर्व करो सर्व करो, बहुत तेज भूख लगा है, निकालो जल्दी। पराठा तोड़ दो सारा। आलू वाला ये होगा लवी, ये होगा, इसमें तोड़ो ना। ये मिक्स है, ये मिक्स है, ये आलू प्याज का। हाँ ये लो ये लो, ये तुम खाओ, तोड़ लो। खाना हो गया, अब हम लोगों का चाय हो रहा है और बाबू जो है मीठे का शौकीन लस्सी पी रहा है। खाना वैसे अच्छा है यहाँ का, लेकिन हम लोग काफ़ी साल से यहाँ आ रहे हैं। आई थिंक 2011-12 से हम लोग शुरुआत में जब I-20 से रोड ट्रिप करते थे हिमाचल की, तब से आ रहे हैं। और इस ढाबे को हम लोगों ने बदलते हुए देखा है। पहले सामने से ओपन रहता था, लेकिन टेस्ट जो है ना अब वो पराठों में वो बात नहीं रही पहले। पराठों में नमक वगैरह ये लोग पता नहीं, नमक मसाला सब कम रहता है, सब्जी के साथ फिर भी अच्छा लगता है। लास्ट में एक बटर नान मंगाया था, वो बढ़िया था, बटर नान और सब्जी का कॉम्बिनेशन। चाय तो यहाँ की मतलब USP है, चाय तो छोड़ नहीं सकते, बहुत बढ़िया। सो अपना खाना पीना हो गया, अब निकला जाए। इधर से ही निकल जाते हैं थोड़ा दूर, लेकिन उल्टा चलना पड़ेगा ना पुल के नीचे तक। जा तो रही हैं गाड़ियाँ, नहीं तो आगे से फिर यू टर्न होगा कहीं। चलो यू टर्न ही लेंगे, उल्टा क्यों जाए। मुरथल के पास ही यहाँ से हम लोग यू टर्न ले रहे हैं दिल्ली के लिए। और अभी प्लान ये है कि आए तो थे एक्सप्रेसवे से, बट जाएंगे नहीं एक्सप्रेसवे से, जाएंगे किसी और रास्ते। पूरा बीच दिल्ली चीरते हुए जाएंगे आज, चाहे 2 घंटा लगे चाहे 3 घंटा, बहुत टाइम है अपने पास। टाइम ही टाइम है, अरे एकदम टाइम ही टाइम है। दिल्ली दर्शन करते हुए जाएंगे।
इसी रूट पर कई सालों से एक्सपेंशन का काम चल रहा है। आई थिंक 3-4 साल से तो हम ही देख रहे हैं, और कुछ पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, बट ये अभी सिंघू बॉर्डर के आसपास ये सब एरिया कंप्लीट नहीं हुआ है। दिल्ली एंटर करने के बाद फिर से मैप लगा लिया, उधर का तो मुझे रोड का आइडिया था। अब दिल्ली में या पता नहीं रेड फोर्ट होके या ITO होके कैसे ले जाएगा गूगल, जैसे भी ले जाएगा नोएडा वैसे वैसे जाएंगे। दिल्ली में इतने स्पीड कैमरा लगा रखे हैं, यहाँ बड़ा संभल के चलना पड़ता है। दिल्ली कभी अगर आना हुआ गाड़ी लेकर के, तो एक ऐप है रडार बोट, इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लें। कहाँ कैमरा है, क्या स्पीड लिमिट है, बताता रहेगा, नहीं तो भैया यहाँ चालान जो है ना बड़ा फट से कटता है। और गाड़ी हमेशा कोशिश करें कि 60 के नीचे ही चले। लक्ष्मी नगर के पास से फिर से मेरठ एक्सप्रेसवे पर ही आ गए, और इसी पर कुछ दूर चल के राइट टर्न ले लेंगे फिर हम लोग नोएडा के लिए। तो ये नोएडा सेक्टर 51 वाला मेट्रो स्टेशन है, इसके बाद एक और आता है सेक्टर 50 वाला, और वो हमारे घर से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। और पीछे जो है वो दिल्ली मेट्रो का नोएडा सिटी सेंटर स्टेशन भी पड़ता है। और लेफ्ट साइड में जो ये सेक्टर है ये 72 है, इधर राइट साइड में सेक्टर 50 है, और सामने ये जो दिख रहा है ये सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन है। और हमारे घर से भी सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन यही है, जो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 किलोमीटर पड़ता है। लेफ्ट साइड में सेक्टर 75 है, और ये एक नया मॉल बना है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, कुछ शॉप्स, हाँ स्पेक्ट्रम मॉल नाम है इसका। और यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेते हैं, सेक्टर 74 है आगे, 75, 77, 78, ये लेफ्ट साइड में जो था ये 75 था, आगे ही 74 पड़ेगा जहाँ हम लोग रहते हैं। फिर इधर इस साइड 76, 77, 78 ये सारे सेक्टर्स पड़ते हैं। और एक चीज़ अच्छा है ये कि जब मैंने ये फ्लैट लिया था 2012 में जब बुकिंग कराई थी, उस समय इधर काफ़ी डस्ट उड़ता था, सड़कें भी नहीं बनी हुई थी, लेकिन अब काफ़ी डेवलप हो गया है, सड़कें खुली खुली हैं, हर चौराहे पे मार्केट है। सामने ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ऊंची सी, ये सुपरटेक का नॉर्थ हाई है, अभी शायद काम रुका हुआ है इसका, और काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं इधर में, मतलब बहुत अच्छी जगह रहने के लिए। हर चौराहे पर आपको एक चीज़ और अच्छी चीज़ दिखी कि टॉयलेट वगैरह मिल जाता है। ये हमारे घर से नियरेस्ट मार्केट हुआ गोल्फ सिटी का, और इधर भी मार्केट है। और सुपरटेक का ये जो नॉर्थ आई है, इसमें नीचे में भी मॉल है, स्पेंसर है, KFC है, स्पेंसर से हम लोग अक्सर ग्रोसरी ले रहे हैं आजकल, और काफी सारे ब्रांड्स है, बर्गर किंग वगैरह तो है ही, और सामने डोमिनोज भी है। इधर भी सोसाइटीज़ हैं, प्रतीक विस्टीरिया है ये, फिर आगे चल के CVT का संप्रीति है, और ये लेफ्ट साइड में जो दिख रही है बिल्डिंग ये है अजनारा का ग्रैंड हेरिटेज जिसमें हम लोग रहते हैं। 300 meters,
लेफ्ट। तो ऐसा कुछ सराउंडिंग है हम लोगों का, और ऑफ कोर्स यहाँ गाड़ी वाड़ी चलाना पट्टा के मुकाबले तो बहुत अच्छा है। ट्रैफिक जो है रहता है लेकिन सड़कें चौड़ी हैं। यह हमारा मेन एंट्रेंस हो गया और ए बी सी डी ई एफ जी एच करके आई थिंक यहाँ पर एम एन ओ तक टावर है, और पार्किंग जो है बेसमेंट में भी है ऊपर भी है। हमारी पार्किंग बेसमेंट में है तो हम लोग बेसमेंट में जा रहे हैं, अब गाड़ी लगाते हैं। तो ये अपनी पार्किंग हो गई, पार्किंग काफी बड़ी है, सोचना नहीं है कि कौन सी गाड़ी है आपके पास, चाहे 5 मीटर लंबी ही कार ले लो, पार्किंग स्पेस की कमी नहीं है।